ये लोग हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, शायद ये भूल रहे हैं कि ये वही किसान यूनियन है, वही किसान है जो 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर और सारे दिल्ली के बॉर्डर सील कर सके। हाँ, 10 अक्टूबर की जो महापंचायत थी वो मौसम खराब होने की वजह से स्थगित कर दी। धरना जारी रहेगा। क्या लेगा वो मामले, खेत में 4 बीघे में हमने चने बो दिए और चनों में उनमें महाराज जी जो जन्म के तैयार हो गए, हम उसमें महाराज ऊंट था वो चुगल चले गया, हाथ वो चुगता चुगता भाई लड़ गया उसने, हाथ जी वो नहीं पाया, हाथ वो फिर चने कट गए, देखा वो चनों में भी नहीं पाया, फिर चून पिसाई दे दी, वहाँ देखा वो चून में भी नहीं पाया, फिर गहू लिए रोटी पोन लगे, वहाँ देखा वहाँ भी नहीं पाया, जब वो रोटी थाली में आ गई और वो पॉपकॉर्न खुल रहा देखा गया, वहाँ पर चजुगोड़ा लग रहा। अभी हम मौजूद है बागपत के कलेक्ट्रेट में और यहाँ किसानों का जो धरना 18 दिन से लगातार जारी है, बारिश के चलते जो यहाँ पंचायत 10 तारीख की रखी गई थी वो कैंसिल करके 18 तारीख की अब यहाँ पर किसान पंचायत माफ रखी गई है। कुछ किसान हमारे साथ है, ये बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह गुज्जर। बात करना चाहेंगे, जो यहाँ पर पंचायत रखी गई थी 10 तारीख की, वो अभी बताया जा रहा है 18 तारीख को कर दी गई है। हाँ, 10 अक्टूबर की जो महापंचायत थी वो मौसम खराब होने की वजह से स्थगित कर दी। धरना जारी रहेगा। और तो अभी जो मुख्य मांग है वो कौन कौन सी मांग है? सबसे बड़ी मांग तो हमारी गन्ना मूल्य भुगतान की है। 600 करोड़ रुपया बागपत जनपद के किसानों का बकाया है मिलों पर, और जिसमें 385 करोड़ रुपया इस पे मलकपुर मिल पे किसानों का बकाया है, जिसमें सिर्फ 1 महीने का भुगतान आया लास्ट ईयर का, और किसान दवाई बीमारी बच्चों की पढ़ाई फीस और बहुत बुरी हालत है, लेकिन प्रशासन के कान पे जूनी रह गई। यहाँ के जिलाधिकारी और मिल प्रबंधन और यहाँ का जिला गन्ना अधिकारी ये सब मिले हुए हैं, जानबूझ के किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। और योगी जी कहते थे कि भाई 14वें दिन भुगतान दिलवा देंगे हम किसानों को, 14वें दिन का 1 साल हो गया इसका भी भुगतान नहीं मिल रहा, तो ये सरकार की उदासीनता ही कहूँगा मैं तो। और हम लोग यह 19 दिन से धरने पे बैठे हैं, किसी प्रशासन के अधिकारी ने या मिल के प्रबंधन अधिकारी ने आज तक हमसे कोई बात नहीं की। अच्छा, 19 दिन से लगातार कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ नहीं आया? कोई अधिकारी नहीं आया, ना जिला अधिकारी आया, ना जिला गन्ना अधिकारी आया, कोई भी नहीं आया। और ये लोग हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, शायद ये भूल रहे हैं कि ये वही किसान यूनियन है, वही किसान है जो 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर सारे दिल्ली के बॉर्डर सील कर सके। तो हुआ है कि भाई जितने ट्रैक्टर आएंगे उस सवारी तो सारे ट्रैक्टर जब्त कर लिए जाएंगे। हाँ, तो हम तो ले आएंगे ट्रैक्टर, जिसमें दम हो जब्त करके दिखा देना ट्रैक्टर। ट्रैक्टर 2 नंबर के हैं, जुगाड़ है, रजिस्ट्रेशन है उनका, नंबर है उनका। कौन सा फरमान करा योगी जी ने? एक्सीडेंट होगा कानपुर में, 27 आदमी मर गए, कुछ घायल हो गए, वो तो हमें भी दुख है उस बात का। सबसे कम दुर्घटनाएं ट्रैक्टरों से ही होती हैं, ट्रैक्टर की स्पीड कम होती, सबसे ज़्यादा ये टट्टू ट्रक जो है लोगों को कुचल रहे हैं। 5 लाख लोग हर साल भारत में मरते हैं दुर्घटनाओं में, क्या हुआ ट्रैक्टरों से मरे, ट्रकों से मरे, पेरिफेरल पर कितने हज़ारों आदमी मर गए एक साल में, दिल्ली सहारनपुर रोड पर मर गए। बसें भी बंद कर दो, रेल के भी एक्सीडेंट हो रहे, रेल भी बंद कर दो, मोटरसाइकिलें भी बंद कर दो, सभी बंद कर दो। कोरोना में कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, सब वाहन बनते तो कोरोना लगा दो, एक्सीडेंट होने का ही ना किसी का भी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। क्यों होगा एक्सीडेंट, हुआ कोई, देखा आपने, प्रदूषण भी खत्म होगा। तो ये सिर्फ किसान के साथ साजिश है, किसान को डिमोरलाइज करने के लिए नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। ये सरकार समझ रही है कि किसान ही एक ऐसी शक्ति है जो विरोध कर रही है इनका, नहीं तो मजदूरों में दम नहीं है और व्यापारियों की सरकार है, व्यापारी तो करेंगे क्यों, किस नौकरी पेशे वाले कर नहीं सकते। तो किसान अपने ट्रैक्टरों से, अपने साधनों से पंचायतों में जाता है, किसान शादी ब्याह भी ट्रैक्टरों में करके लाता है, कहीं कोई दुर्घटना, ट्रैक्टर तो हमारी सवारी है। ट्रैक्टर को तो जो भारत सरकार लाई थी रूस से मांग मांग के, जब ट्रैक्टर नहीं थे यहाँ, आज ट्रैक्टर हैं तो ट्रैक्टर बैन लगा दोगे यार ट्रैक्टरों में, भाई हम मजदूर भी लाते हैं, अनाज बेचने भी जाते हैं, सब करते हैं। जो सरकार का तुगलक ही फरमान है, और ये ना समझिए इस सरकार की, इस सरकार को ज्ञान नहीं है, अज्ञानी लोग सरकार चला रहे हैं, भले चाहे वे कितने बुद्धिमान अपने आप को मानते हो। हम किसान, किसान के दर्द को और किसान के मरम को नहीं समझ पा रहे। जमीन जोतने वाले की इनके पास कीमत नहीं है, इनके पास कीमत चोरों की कीमत है, जो चोरी करके इन्हें धन दे दे, इनका टैक्स खा जा। 17,00,000 करोड़ रुपया जो है इन्होंने अडानी और अंबानी का माफ़ कर दिया, किसानों का कोई कर्जा माफ़ नहीं करा,
25 रुपए 5 साल में गन्ने पर बढ़ाए, 14 दिन में गन्ने का भुगतान करने की बात कही थी। 14वें दिन में गन्ना एक्ट में अगर किसान के गन्ने का भुगतान नहीं होगा तो किसान को उसका ब्याज मिलेगा ना, उसका ब्याज दे रहे ना भुगतान दे रहे। पिछली फसल हमने जैसे इन्हें दे दी, अगली फसल हमने तैयार करी, किसान कर्जदार है, किसान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा, अपना इलाज नहीं करवा पा रहा, बिजली के 6,000 रुपये अगर किसी में बकाया है तो उसका एक कनेक्शन काट रहे, हम किसका कनेक्शन काट रहे, हमारी कोई हम भीख मांगने थोड़ी आ रहे इनके पास भाई। किसान गन्ना देता सरकार को, सरकार सहकारी समितियां गन्ना खरीद के देते मिलों को, तो जिला गन्ना अधिकारी की जिम्मेदारी है। अगर मिल समय पर नहीं चलेंगे, भुगतान नहीं मिलेगा तो किसकी जिम्मेदारी। लेकिन ये मिल मालिकों से मिल के पैसा खाते हैं और किसान का शोषण करते हैं। कभी मलकपुर मिल 215 करोड़ रुपए में जो है लागू हुई, मतलब चली थी, कुल कीमत जो लागत मूल्य आया था मलकपुर मिल की स्थापना में 215 करोड़ आया था और 385 करोड़ तो उस 5 किसानों का बकाया है, और उसके बावजूद जो सरकार का लोन भी है। तो ऐसा भी कोई व्यापार है भारत में जिसका पैसा एक साल बाद मिलता हो? कोई व्यापार हो अगर इस तरह का कि किसी का माल का पैसा एक साल बाद या 6 महीने बाद दे, ऐसा एक व्यापार बता दो सिर्फ गन्ने का छोड़ कर। जमीन अधिग्रहण कर लिया है, उसके बाद मुआवजा नहीं दिया जा रहा है किसानों को, जो मांग है पूरी नहीं की जा रही है। अरे ये तो इनकी मोनोपोली चल रही है, अधिग्रहण कर रहे हैं, किसान को पूछ नहीं रहे, किसानों को बाईपास नहीं दे रहे। भाई ठीक है, आप एक बात बताइए, अगर किसी किसान के बीच में एक्सप्रेस वे निकल गया उसके चक में को, ठीक है, उसका आधा चक उधर रहेगा, वो कैसे क्रॉस करेगा उसे? तो उसके लिए ना जो है सर्विस रोड देनी चाहिए। पेरिफेरल हाईवे में ऐसा ही हो रहा है, कुछ किसान बताओ कैसे सड़क को क्रॉस करके अपने खेत की बुआई जुताई कराए, जो ट्वेल उसमें आ गई वे कैसे उसके लिए ट्वेल नहीं लगाई जा रही। तो ये तो सेटेलाइट से नक्शा पास करते हैं, सेटेलाइट से बना लेते हैं, जमीन पर काम नहीं करते और फरमान जारी कर देते हैं। सड़कों का हम भी विरोध नहीं करें, देश में विकास होना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, रेलवे लाइनें बननी चाहिए, लेकिन उनके जिनको आप उजाड़ रहे हो उन्हें भी तो बसाना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, मुआवजा तय कर दिया आपने, अब यहाँ कितने ऐसा भी है, क्या मानक है इनका? जब जो कृषि बिल आया था, भूमि अधिग्रहण बिल, उसमें यह था कि गाँवों की जमीन का 4 गुना, कृषि भूमि का 4 गुना मुआवजा देंगे और शहरी जमीन का 2 गुना देंगे। हमारे यहाँ बागपत जिले से मिली हुई नगर पालिका टटीरी, वहाँ का सर्कुलेट 4 गुना क्यों नहीं दे रहे सर्कुलेट का, वहाँ 2 गुना दे रहे। टीकरी है नगर पंचायत है, वहाँ 2 गुना दे रहे। भाई क्या कर रहे हैं, यहाँ इन्हें फायदा है, उस पॉलिसी को लागू करते हैं। जैसे जमीन अधिग्रहण कर रहा, अगर नोएडा में कर रहे, गाजियाबाद में कर रहे, या जहाँ भी प्राधिकरण है, एक खसरा नंबर अगर किसी किसान का है, उस खसरा नंबर में बिल्डरों को तो 30 मंजिल बनाने की परमिशन है, और उस किसान को जो 10% का प्लाट मिलता है वो सिर्फ 36 फुटी बना सकता है, वो 2.5 मंजिल ही बना सकता है। क्यों है ऐसा, किसान के लिए सारे बैन क्यों है? बिल्डर तो 20 मंजिल बनाओगे, जमीन में नीचे बेसमेंट भी बनाओगे, और किसान सिर्फ अपनी जमीन में, बची हुई जमीन में, उसी खसरे नंबर में 2.5 मंजिल बनाओगा। क्यों भाई, किसान क्या करेगा, जमीन तो उसके अधिग्रहण में चली गई, किसान की जमीन का। अब किसान को भी ऐसे परमिशन दे दो जैसे बिल्डरों को दी हुई है, जो मानक बिल्डरों के लिए तय है उस किसान के लिए भी तय कर दो, वो किसी से टाई अप करेगा, उसका रोजगार बढ़ेगा, उसके बच्चों की बेरोजगारी दूर होगी, उसकी बची हुई जमीन में तो अपनी में कर लो। इन्होंने हमारे आसमान पे भी कब्जा कर लिया, पाताल में भी कब्जा कर लिया, जितने गांव प्राधिकरण में आ गए ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, दिल्ली में, वे सब इस्लम एरिया बन गए, उनकी हवा भी रोक दी, पानी भी रोक दिया। तो ये किसानों के लिए ही है क्या सारी पाबंदियाँ? 18 तारीख में महापंचायत हो रही है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हमारा गन्ना भुगतान का है, किसानों की फसल आवारा पशुओं ने चट कर दी। हमारा उद्देश्य जो ट्रैक्टरों पे बैन लगाया, जो विजिलेंस के छापे लगाए जा रहे हैं, किसानों का शोषण किया जा रहा है, जिन किसानों पे 6,000 विद्युत बिल बकाया उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिन किसानों का मिल मालिकों पर सरकार पर कई कई लाख रुपए बकाया उनका कनेक्शन कौन काटेगा? तो हम तो अपनी जायज मांग के लिए बैठे। भाई मुख्यमंत्री ने कहा था 14वें दिन भुगतान करवा देंगे, राजनाथ सिंह ने भी कहा था, शामली में आए थे, 14वें दिन भुगतान करवा देंगे। तो सरकार अपना वादा पूरा करे। एक तरफ तो कहते हमने किसानों की आय बढ़ा दी, कहाँ बढ़ी किसान की आय? हमारा पशुओं ने सारे खेत खराब कर दिए, सारे खेत खा गए, उसमें भी सरकार ने कह दिया कि आप तारबंदी नहीं करेंगे, कटीले तार नहीं लगाओगे, तो क्या करें हम आखिरकार? तो इसलिए मजबूरी में आंदोलन में बैठना पड़ा, और बड़ा आंदोलन देश में होने जा रहा है। किसानों में बेचैनी है, किसानों में असहजता महसूस कर रहे हैं किसान को चारों तरफ से बंधक बनाया जा रहा है,
एक किसानी वर्ग ऐसा है जो सरकार से लड़ता है, मुगलों की सरकार से भी किसान नहीं लड़े, अंग्रेजों की सरकार से भी किसान नहीं लड़े, और इन सरकारों से भी किसान नहीं लड़ रहे हैं। तो ये किसान को डेमोरलाइज करना चाहते, मनोबल तोड़ना चाहते हैं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो है सीबीआई की जांच कराई जा रही है, आपकी जानकारी नहीं? वो तो सत्यपाल जी ने कहा था कि मुझे 300 करोड़ की रिश्वत देने का प्रयास किया गया, मैंने उनकी डील रद्द कर दी थी। उसमें एक कोई आरएसएस का नेता था, एक कोई और ग्रुप है दूसरा, तो उसमें जांच हो रही है। सतपाल सिंह तो ईमानदार हैं, गवर्नर रहे हैं, वही तो बोल रहे, ईमानदार आदमी तो बोल सकता सरकार के खिलाफ। उनका जीवन कार्यकाल पूरा ईमानदार होकर है, वो किसान के बेटे हैं, बागपत जिले के हैं, तो बागपत जिले का किसान का बेटा नहीं बोलेगा तो और कौन बोलेगा? क्या नाम है आपका? चौधरी भूरा भाई। तो भूरे जी बात करना चाहेंगे, जो यहाँ धरना चल रहा है 19 दिन लगातार धरने को हो गए, अभी तक कोई भी सरकार का अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा, तो क्या कहना चाहोगे भाई? जब शुरू में बच्चा पढ़ने जाओ उसमें टाइम लगे, पढ़े पढ़ाए को तो कोई पढ़ाते, शुरू में LKG थे UKG थे, तो उसमें पढ़ाना पड़े ना आना पड़ेगा, सब अधिकारी आवेंगे और सब सुनेंगे, और ये तो ना करना पड़ेगा, गन्ने का भुगतान भी देना पड़ेगा, और जो बिल पिल पे गड़बड़ी कर रहे इसका भी करना पड़ेगा, और जो पशु का इन्होंने कहा था कहना 15 दिन में हम वो कर देंगे, पशु का इनका सब गौशाला वो बनाओगे, इन्हें सब सुननी पड़ेगी। अच्छा फिर एक बात हो रहेगी भाई, सरकार को मानना थे ठीक है चलो सर, वो है पर बस झूठी सरकार, इतनी झूठी हमने भी अपनी याद में देखी, ये झूठी कुकर, इन्होंने कहा था कहना 15 दिन में भुगतान और 15 दिन में वो, इन्होंने कुछ नहीं करा। झूठों की एक थोड़ी सी वो बता दूं मैं आपको, दो झूठे थे उनमें आपस में लग गई, कह लगा कौन सा बड़ा झूठा, एक कह लगा वो हमारे खेत में सिर सुब होगी और उसमें 4 बीघे में एक पेड़ डले हम, और वो ला के कुएं में गिर दिया, अत उसमें तो 6 ट्रोली भर दी सिरसू की, कुएं में तो इतनी सिरसू झड़ गई उस पेड़े की, 6 ट्रोली भर के फिर 6 फेर भर दी, कह ला बता भाई 100 रुपये का दंड था, वो बोल जाने फिर दूसरे का वो आ रहा, कह लगा वो हमने खेत में 4 बीघे में हमने चने बो दिए, और चनों में उनमें महाराज जी जम के तैयार हो गए, हम उसमें महाराज ऊँट था वो चुगन चले गया, अत वो चुगता चुगता भाई लड़ गया उसमें, अत जब वो नहीं पाया अत वो फिर चने कट गए, देखा वो चनों में भी नहीं पाया, वो फिर चून पिसाई दे दी, वहाँ देखा वो चून में भी नहीं पाया, फिर घरों लिए रोटी पोन लगे, वहाँ देखा वहाँ भी नहीं पाया, जब वो रोटी थाली में आएगी और वो पापड़ खुल रहा देखा गया वहाँ पर चजुगोड़ा लग रहा, अतिया भाई झूठी सरकार है, इनका हम यकीन नहीं करते, कर रही उसकी अमित शाह है, इनका एक लड़का है जय शाह, इन्होंने 5,000 रुपये की कंपनी ली, 5,000 रुपये की, 5,000 करोड़ की, अत जो सी कंपनी इन्होंने वाली उस पर था 15,000 करोड़ का कर्ज, 15,000 करोड़ का कर्ज, अत वो सरकार ने इन इनकी वो थी अपनी तानाशाही थे वो कर्ज माफ करवा लिया, वो कम उन्होंने माफ कर दिया, और जिस पते ने 5,000 करोड़ की वाली थी उन्होंने उन्हें वे भी कर दिए, अत ये तो भाई अपना ये आप कर दिया ना 5,000 इतने पैसे में साबत यूपी धनवान हो जाता धनवान है, अति मैं तो भाई अपने उसमें चल रहे आप ही छक रहे आप ही खा रहे, किसान अन्नदाता है, किसान सब कुछ खान दान को दे रहा, किसान कीड़ी को मकोड़े को जो वहाँ को हवेली बंगले में बैठे होने देश पर रक्षा कर रहे किसान के बालक कर रहे, अब किसान ही कर रहा किसान इसका वो है इनका नहीं, हम इनका यकीन नहीं करा भाई, धरना पार का होगा, हमें भी कहीं आशिक से बलि देनी पड़ो, इन्हें सारी मांग माननी पड़ेगी और सारा वो करना पड़ेगा, हम नु मान नहीं अंतर उठ कर जाने के ट्रैक्टर एक किसान का कवच है, इससे ही हड़बड़ा होगा, इससे ही मरण जीवन में जाएगा, इससे ही तेरा में जाएगा, इससे ही भारत में तेल में जाएगा, इसे तो रोक नहीं सकते, ये तो होगा, यू नहीं रुका है, ये तो भाई किसान का कवच है, यू आओगा